हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास दो फ़ैन आए हुए हैं जो कि बिल्कुल नया है, कस्टमर का है। तो कस्टमर अपने ही हाथ से इसको खुद मतलब लगा रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा और उन्होंने सारा वायर कनेक्शन खोल दिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 वायर वाला फ़ैन का कंडेंसर के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो इसमें 3 वायर है, एक ब्लैक, दूसरा लाल और तीसरा पीला। तो इसको कैसे कनेक्शन करना है इस वीडियो में आपको आगे बताते हैं, बने रहिएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये लोग रेड के साथ एक कंडेंसर का वायर जोड़ देते हैं और दूसरा जोड़ेंगे हम ब्लैक के साथ। किसी में ब्लैक रेड ब्लू होता है, किसी में रेड ब्लैक पीला होता है, सभी पंखे में अलग अलग होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा चलता है। तो ये हम लोग पीले वाले को सबसे ऊपर वाले टर्मिनल में कंडेंसर का एक वायर जोड़ते हैं। नहीं, हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एक बार देखिए, हमने ब्लैक वाले कंडेंसर के साथ लगा दिया है और दूसरा हम रेड में लगाते हैं। नहीं चल रहा, देखिए पीले वाले के साथ चल रहा है लेकिन उल्टा घूम रहा है। इसको सही करते हैं। इसको सावधानी से करिएगा, इसको हो सकता है कभी कंडेंसर में करंट भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, ब्लैक वाला इसमें ब्लैक में नहीं लगा, नहीं ब्लैक वाले कॉमन रखते हैं और इसको लगाते हैं पीले वाले के साथ एक कंडेंसर का वायर और दूसरा लगाते हैं रेड वाले के साथ। हमने ये जोड़ दिया है, अब इसको हम टाइट कर लेते हैं कनेक्टर में, सबसे ऊपर लगा देते हैं जो कि ब्लैक है, कॉमन रहेगा, न्यूट्रल उसको समझिए, उसको ऊपर लगाते हैं। और ये पीला वाला है जो कंडेंसर के वायर के साथ है, इसको बीच में रखते हैं, जो ब्लैंक होता है, खाली होता है, इसमें कोई वायर नहीं जोड़ा जाएगा। और ये रेड वाला जो कंडेंसर के साथ है, इसको सबसे लास्ट में नीचे रखते हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको ऊपर न्यूट्रल देना है, ऊपर वाले में न्यूट्रल जोड़ दीजिए और नीचे फेस। ऊपर हम लोग न्यूट्रल लगा रहे हैं। और नीचे में सबसे लास्ट में ये फेस रहेगा। अब इसको चेक करते हैं चल रहा है या नहीं।
उसको लगाते हैं, लाइट देते हैं, ये चल नहीं रहा है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, इसको फिर से वायर चेंज करते हैं। देखिए हमने बीच में पीला वाला लगाया है, तो हम पीले वाले को निकालते हैं। पीले वाले क्या करेंगे, पीले वाले वायर को निकाल के कंडेंसर का वायर जुड़ा रहेगा, बस इसको रेड वाला बीच में कर देंगे और पीला वाला नीचे कर देंगे। कंडेंसर का वायर निकालना है, कंडेंसर का वायर जुड़ा रहेगा। अब रेड वाले को हम बीच में कर देंगे, ब्लैंक वाले में जो खाली है, और पीले वाले को नीचे कर देंगे फेस में। ये रेड वाला लगा देंगे बीच में, अब इसको दोबारा चेक करते हैं। लाइट में लगा, देखिए चलने लगा, ये बिल्कुल सही चल रहा है। ये बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को कनेक्शन एक बार और दिखा दे रहा हूँ नज़दीक से कैसे करना है। इसको निकालते हैं और आप लोगों को कनेक्शन दिखाते हैं। ये बिल्कुल सही हो गया है, हम लोगों को नज़दीक से कनेक्शन इसका दिखा देते हैं एक बार। पहले हम लोग वायर खोल देते हैं इसका, इसको नज़दीक से दिखा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए ऊपर वाला जो है ब्लैक, वो सबसे ऊपर कनेक्टर में रहेगा, वो कॉमन हो जाएगा आपका न्यूट्रल, और ये जो रेड वाला है कंडेंसर के साथ, ये बीच में रहेगा खाली वाले में, इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, और पीला वाला कंडेंसर के साथ सबसे लास्ट में ये फेस रहेगा। ऐसे ही सेम कनेक्शन ये दूसरे फैन में भी करना है, सेम वैसे ही करना है, दोनों एक ही का, तो ये सेम कनेक्शन दोनों का एक सेम ही कनेक्शन रहेगा। ये वाला भी सेम कनेक्शन रहेगा, वैसे ही सेम कर देते हैं, ब्लैक वाला ऊपर, रेड वाला बीच में कंडेंसर के साथ, और पीला वाला लास्ट में सबसे नीचे रहेगा कंडेंसर के साथ। तो इसको भी कनेक्शन कर देते हैं जल्दी से, ये रेड वाले साथ कंडेंसर का वायर एक जोड़ दे रहे हैं, और दूसरा कंडेंसर का वायर पीले वाले के साथ सेम उसी की तरह पीले वाले के साथ जोड़ देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रेड वाला बीच में हम लोग जोड़ देते हैं जो ब्लैंक है, और ब्लैक वाला तो ऊपर हो गया, और लास्ट में आपका पीला वायर सेम उसी की तरह इसका भी कनेक्शन जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ना कोई मल्टीमीटर लगा है ना कुछ, आप अपने आप से घर पे भी कर सकते हैं, फैन में कोई प्रॉब्लम हो या कंडेंसर चेंज करना हो, कंडेंसर ख़राब हो गया उसको चेंज करना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही सेम कर सकते हैं। तो इसको भी चेक कर लिया जाता है, न्यूट्रल फेज दे रहे हैं इसको भी, कनेक्टर में जो स्क्रू होता है उसको हल्का सा टाइट करिएगा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो फिर मिस हो जाएगा।
मतलब बहुत ही सावधानी से इसको करिए, नहीं तो कनेक्टर में जो स्क्रू है वो मिस हो सकता है ज़्यादा टाइट करेंगे तो। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी चल रहा है कि नहीं। इसको हम लोग लाइट देते हैं, इसको लाइन देते हैं, क्योंकि ये भी चलने लगा बिल्कुल सेम, बहुत बढ़िया चल रहा है, ये भी स्पीड काफ़ी अच्छी है। ये तो हमने सीरीज में लगाया हुआ है, मेन में लगाएंगे और भी स्पीड बढ़ेगी इसकी। और तो मिल देखा इसको बिल्कुल सेम कनेक्शन है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सेम कनेक्शन है, देखिए ब्लैक वाला ऊपर है, रेड वाला कंडेंसर के साथ बीच में, और पीला वाला कंडेंसर के साथ लास्ट में रहेगा, बिल्कुल सेम कनेक्शन दोनों का। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।